अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद हम लाए हैं आपके लिए एक अमेजिंग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। टिप एंड ट्रिक्स को देखने से पहले और जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये जो टॉपिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह आपके लिए अहम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने तकरीबन 2 दिन से सर्च कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन मैंने इस पर सर्च की है काफ़ी ज़्यादा कि टॉपिक्स कौन से सिलेक्टेड किए जाते हैं और आपका एग्ज़ाम्स किन टॉपिक्स में से आ रहा है। तो टॉपिक्स को सर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तमाम स्टूडेंट के साथ ये शेयर करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके CS 101 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। CS 101 के एग्ज़ाम को क्लियर आउट कर आप कर सकते हैं। सिर्फ 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आपने सिंपली तरीके से क्लियर आउट करना है। टॉपिक नंबर 1191, इसी तरह टॉपिक नंबर 2192, 193, 194, 195। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं आपको अगर वीडियो को शॉर्ट करते हुए आपको बताता जाऊँ कि आपने टॉपिक नंबर 191 से लेके 199 तक आपने कंप्लीट रीड आउट कर लेने हैं। जैसे ही आप कंप्लीट रीड आउट कर लेंगे तो आप किसी को कहिए भाई मेरे कोई पास पेपर दो मैं उसे हल करता हूँ, तो आप उसे हल करके देख लीजिएगा कि एमएस वर्ड के कितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और आप इजीली जो एमएस वर्ड के क्वेश्चन हैं आप उन्हें हल कर सकेंगे। हल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप ख़ुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि भाई मेरा 27 को एग्ज़ाम है तो मैं वो 27 को जो एग्ज़ाम है वो मैं इजीली हल कर पाऊँगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यह ये तो CS 101 के लिए एक कमाल का ट्रिक ही बन गया क्योंकि उन्हें सिर्फ 9 मॉड्यूल 9 लेक्चर क्लियर करने हैं। जैसे ही वो 9 लेक्चर क्लियर करेंगे तो वो अपना एग्ज़ाम जो है वो इजीली हल कर सकेंगे। तो आपको टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं, आप इजीली इन टॉपिक्स को कीजिए और रीड आउट कीजिए और पास्ट पेपर्स कीजिए। जितने ज़्यादा आप पास्ट पेपर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। पास्ट पेपर करने से क्या होता है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह पेपर देना है। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप पास्ट पेपर ज़रूर कीजिएगा, पास्ट पेपर ज़रूर कीजिएगा, पास्ट पेपर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पास्ट पेपर करते हैं तो आपको वहाँ से ये आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि आपको पेपर पैटर्न क्या होगा, आपने पेपर को किस तरह क्लियर करना है, ये सब बातें आपको वहाँ से मिल जाती हैं तो ईज़िली आप पेपर को हल कर सकेंगे। ये भी कहूँगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड गुड कीजिएगा क्योंकि इस दफ़ा आपके पास सिर्फ 90 मिनट होंगे अपने पेपर को क्लियर करने के लिए, अपने पेपर को कंप्लीट हल करने के लिए। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। गुड बाय।